हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सारा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन स्टिक्स की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको मैंने वॉश कर लिया था और 30 मिनट्स के लिए इसको एक छन्नी में रख दिया था ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो सब निकल जाए। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून बारबेक्यू सॉस, 3 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ का लिया है, उसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज ली है, उसको भी ऐसे ही कट कर लिया है। और टमाटर लिया है, उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और उसको भी ऐसे ही कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्टिक्स ले ली हैं, उसे मैंने 15 मिनट्स के लिए पानी में सोख करके रख दिया है। इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो आइए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सभी चीज़ों को चिकन में ऐड कर देंगे। सारी सॉसेस, सॉल्ट और जो हमने मसाले लिए हैं, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सारी सब्जियों को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे स्टिक्स में लगा के ग्रिल करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें स्टिक्स में लगा के ग्रिल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसे गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे और सभी पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइज़ को चेंज कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी चिकन स्टिक्स परफेक्टली कुक हो गई हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। चिकन स्टिक्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।